जैन भाई सभी को, आज हम छोटे बच्चों को लॉन्ग जंप और हाई जंप की जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, टेक्निकल पॉइंट होते हैं, वो सिखाएंगे आज इनका वर्कआउट स्पेशल। ठीक है, ये दो लड़कियां हैं, ये दो लड़के हैं, ये 10 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे, 6-7 साल के ऐसे ही हैं। तो इन छोटे बच्चों की शुरुआत लॉन्ग जंप की और हाई जंप की कैसे करनी है, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम आज, और उसी के बारे में बताएँगे कि शुरुआत कैसे करनी है। हमने करना क्या है कि जब हम लॉन्ग जंप करते हैं तो जहाँ से हमने टेक ऑफ लेना है ना, जहाँ से टेक ऑफ करना है, टेक ऑफ का और गड्ढे का जो बीच का जो है, जो पिट का जो गैप होता है, ये ज़्यादा नहीं करना है, 1 मीटर से 1.5 मीटर या 1.25 मीटर का करना है। छोटे बच्चे हैं, अगर यहाँ पक्के में गिर गए तो चोट लग जाएगी। तो हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब शुरुआत करनी है तो यहाँ का जो डिस्टेंस है ना, मार्किंग लाइन का जो फट्टा है और गड्ढे का जो बीच का जो डिस्टेंस है, ये कम से कम रखना है। ठीक है, बड़े बच्चे हैं उनका जब हम फट्टे से करवाते हैं, यहाँ का गैप 1.5 मीटर 2 मीटर या 2.5 मीटर जो भी हम अपने अनुसार जो करवा देते हैं, प्रैक्टिस तैयारी करवाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे की जो शुरुआत करवानी है तो ये ध्यान रखना, कोई भी जब हम शुरुआत करवाएंगे या कोई करवाता है लॉन्ग जंप की या हाई जंप की, तो पहले तो हम लॉन्ग जंप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लॉन्ग जंप करवाएंगे इनका। ठीक है, अभी ये बेसिकली है, बेसिक करवा रहे हैं हम इनको, शुरुआत कैसे सिखाना है लॉन्ग जंप का। ठीक है, हाँ चलो बच्चों, आप 5 से 10 मीटर का रनवे सेट करो बेटा। तो चलो शाबाश, बहुत अच्छे, बैठना है, शाबाश शाबाश, गुड। हाँ है ना, अभी ये लॉन्ग जंप यहाँ से करवाया है, ये 10 मीटर का गैप है, तो 10 मीटर का रनवे सेट करवा के और इनका जंप करवाया है, क्योंकि बेसिक में जब हम ज़्यादा लंबा ले जाएंगे तो बच्चे थक भी जाएंगे और जंप भी नहीं होगा। ठीक है, फाउल होने का डर रहेगा। तो बेसिक जब स्टार्ट करवाते हैं छोटे बच्चों को, जब लॉन्ग जंप सिखाएंगे ना, तो कोशिश ये रखनी है कि छोटा रनवे लेना है पहले। छोटा रनवे लेके अगर हम जंप करवाना शुरू करेंगे तो बच्चे का मोटिवेशन बनेगा, खुद का जो है उनके माइंड भी सेट हो जाएगा कि हमारा फाउल नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अभी हमने इनका जो है रनवे थोड़ा और बढ़ाएंगे, दो स्टेप और बढ़ा लो बेटा। हाँ चलो शुरू करो, प्रत्येक दो मिनट मिल जा। शाबाश, बढ़िया, गुड, बढ़ गया ना, देखा, शाबाश, आया प्रतीक, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखा होगा कि इनको हमने तो लॉन्ग जंप बताया है ना, जैसे करवाया है, तो बच्चों की समझ में आ रही है बातें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही सीखनी होती है बच्चे को। अगर ये बच्चे के दिमाग में शुरू से ही डाली जाएगी, अगर बच्चा शुरू से ही लॉन्ग जंप का इंटरेस्टेड है, भाई बच्चा खिलाड़ी अगर लॉन्ग जंप बनना चाहता है, लॉन्ग जंपर बनना है भाई, या हाई जंपर बनना है, तो उसको शुरुआत बचपन से ही करवाई जाएगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो नींव होती है वो शुरू से ही बचपन से ही खड़ी होती है, फिर बड़ा होने के बाद में फिर बच्चा जो है ना घबराता है, डरता है। अभी दिल्ली पुलिस वाले के बच्चे मेरे पास लॉन्ग जंप करते हैं ना, तो शुरू शुरू में लॉन्ग जंप लगाते हैं, वो गड्ढे में कूद भी नहीं पाते, वो यहाँ पक्के में गिर जाते हैं। तो वही है कि शुरू शुरू में अगर बच्चे को हम सिखाएंगे तो इनका दिल भी खुल जाएगा। ठीक है, इनका माइंड सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम करवाएंगे इनका हाई जंप, हाई जंप की तकनीक बताएंगे। तो भाई पहले था लॉन्ग जंप का, अभी हम जो है छोटे बच्चे की नहीं, हाई जंप ही करवाएंगे। हमने ये 2 फिट पर लगाया है। ठीक है, ये 2 फिट पर लगाया है छोटे बच्चे का, अभी 2 फिट का इनका हाई जंप करवाएंगे, जिसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, सेम वही है एज इनकी, 6 से 10 साल के छोटे बच्चे। ठीक है, अभी वो लड़की आएगी, ठीक है, पहले वो जंप दिखाएगी, बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ, शाबाश, गुड, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये भाई हमने 2 फिट पर इन छोटे बच्चे का जंप करवाया। ठीक है, इनको मैंने बताया था कि टेक्निकल जो चीज़ें हैं ना, इसमें ज़्यादा भागने की दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ जो टेक्निकल चीज़ है बस उस पर फॉलो करना है। हमने जब यहाँ आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा पावर लग गया, हमारा जंप किस पैर पर बनता है, उस पैर को यहाँ ऐसे लाना है, ये जंप करना है बस।
ये टेक्निकल चीज़ें याद रखनी है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का फिजिकल हो या कोई भी है किसी भी पुलिस का। अब ये बच्चे हमने इसको ढाई फिट करवा दिया है, तो ढाई फिट का कितना आसानी से जंप लगाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात, गुड, क्या बात, बहुत अच्छे, शाबाश, गुड, शाबाश, चलन सो, बहुत अच्छे, पैर घुमा, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। लड़की देखो भाई, इसकी हेल्थ देखो, इसको 15-20 दिन हो गए हमारे पास आते हुए, लेकिन हेल्थ के अनुसार देखो ढाई फिट पे से कितना आसानी से जंप लगाया है। सिर्फ टेक्निकल तो चीज़ होती है, वो टेक्निकल चीज़ पर ध्यान देना है, जंप करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि भाई हम ये कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं, ये छोटी लड़की देख लो, वेट देख लो, इसका फैट देख लो, ठीक है, लेकिन इसने फिर भी जो है जंप लगाया है, शाबाश, गुड, बढ़िया। हमारा जो टारगेट था ना, जो हमारा वर्कआउट था, छोटे बच्चों को लॉन्ग जंप और हाई जंप का बेसिक करवाना, उनकी स्टार्टिंग करवानी, उनको कैसे सिखाना है, कैसे बताना है, कैसे समझाना है। छोटे बच्चे हैं, ये फूल की तरह होते हैं, इनको जितना प्यार से सिखाओगे ये उतना ही प्यार सीखेंगे, ठीक है, सख्ताई से नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि ये अभी छोटे हैं, तो इसमें अगर हम इसको नरमी से पेश आएंगे ना तो उतना ही अच्छा सीखेंगे, ठीक। हमारी वीडियो का मेन मकसद क्या था, हाई जंप और लॉन्ग जंप छोटे बच्चों की शुरुआत, बेसिक, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।